कम क्यों हो रहे हैं, कोई हमारे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं खरीद रहा है, कुछ तो करो। अगर ऐसे ही चला तो हम बर्बाद हो जाएंगे और हमारी कंपनी डूब जाएगी। एक सोल्यूशन है सर, हमारे यहाँ बॉलीवुड स्टार्स को भगवान मानते हैं, इनसे आप कोई भी ऐड करवा लो ये पब्लिक छक मार के उन्हें खरीदने वाली है। लेकिन गुटखा की ऐड करना इलीगल है ना सर। तो हम क्या करेंगे कि हम एक डमी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो लीगल, उसका नाम पैकेजिंग कलर सब सेम रखेंगे, उसकी ऐड करेंगे जिससे इनडायरेक्टली गुटखा की भी ऐड होगी और हमारे रातों रात सेल्स बढ़ जाएंगे। तो ऐसा ऐड कौन करेगा, कल मार्केट में 1800 ना बहुत चल रहा है, तो बुलाओ उसको और जितने पैसे चाहिए ऑफर करो। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी गुटखा दारू? नहीं नहीं नहीं, किस प्रोडक्ट का ऐड करना है? किस प्रोडक्ट की ऐड करना है? ये तो गुटखा है ना, इसकी ऐड करना तो इलीगल है। हाँ हाँ हमें पता है, बट ये गुटखा नहीं पान मसाला है। ये सब तो ठीक है, मिलेगा कितना? पूरा 500 का मिलेगा। अच्छा गावा, 10 के अंदर तो मैं बात ही नहीं करता। समझो मिल गया। और एडवांस? अरे वाह, तूने तो बहुत कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। तेरे वजह से जीवन के सेल्स कितने बढ़ गए, बस ऐसे ही करते रहना और जीवन के सेल्स बढ़ाते रहना। तेरे पास एक फेमस बंदा है, उसे भी अपन ऐड में रख लेते हैं। कौन है वो? वो तो आप खुद ही देखिए। ए बीमार, तू भी जीमल का एम्बेसडर बन जा, इन लोग जैसे तू भी मालामाल हो जाएगा। नहीं नहीं सर, मैं अपने फैन से वादा किया, आयशप्पा मैं कभी गुटखा की ऐड नहीं करूंगा। सर आप टेंशन मत लो, मैं इसे समझाता हूँ। सिर्फ एक मिनट के ऐड के लिए तेरे को 100 कोका मिलूंगा। फैंस को दिखाने के लिए थोड़ा जीजीएस फाउंडेशन में डोनेट कर देना। खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी सर, खिलाड़ी रेडी है भैया खिलाड़ी भैया। एक इंसान जब भी बहुत ही सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर या एक्टर बन जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। क्यों? क्योंकि उसको देख के लोग फॉलो करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल्स फॉलो करते हैं। और जब ऐसे में इतने सक्सेसफुल एक्टर्स जैसे अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन ऐसे पान मसाला के ऐड करते हैं तो वो एक बैड इन्फ्लुएंस है पूरे देश की जनता के लिए। हाँ ये बात सही है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, लेकिन जिस लेवल पे इन सब एक्टर्स ऑलरेडी पहुंच गए हैं, जितना महत्व हमारे देश की जनता इन्हें देती है, तो ऐसा यूजुअली होता है कि वो लोग जो भी चीज़ हमें खरीदने बोलते हैं तो वो हम खरीद लेते हैं क्योंकि हम उन पे इतना भरोसा दिखाते हैं। पर इतने अमीर हो जाने के बावजूद भी और इतने सारे पैसे उनके पास आने के बाद भी ये एक्टर्स क्यों ऐसे विमल और ये पान मसाला के एड्स करते हैं, क्या कभी आपने सोचा है? इसके बहुत सारे मेन रीजंस हो सकते हैं कि जैसे पैसे का लालच सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कि अगर जैसे इंसान के पास पैसे आते जाते हैं वैसे पैसे का लालच भी बढ़ते रहता है। लेकिन अगर हम और डीप में जाए तो आप भी सोचो कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए और आप क्यों ये सब करो। तो इसमें से एक ऐसा भी हो सकता है, सबसे पहला रीजन कि ये जो एक्टर्स है इस बड़ी बड़ी कंपनियों ने उन पे एक माइंड कंट्रोल कर दिया है, मतलब उनका जो मन है वो उनके वश में नहीं है, वो किसी और कंपनीज के वश में है।
और ये बात हमें और आपको पता नहीं, लेकिन मास हिप्नोटिज्म और माइंड कंट्रोल बहुत कॉमन है आज के जगह में, और हम लोग बहुत टाइम से इसका शिकार भी है। इसी वजह से ये सब ब्रांड आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। वार्निंग रहती है बॉक्स के ऊपर, फिर भी इन लोग करोड़ों कमा लेते हैं यही माइंड कंट्रोल और हिप्नोटिज्म की वजह से। तो ऐसे बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि ये जो हमारे एक्टर्स हैं, ये बहुत ही टाइम से इन कंपनीज द्वारा हिप्नोटाइज किए हुए हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है इनके ये ऐसे सड़क छाप ऐड करने के पीछे कि इन लोग ऑलरेडी डेड है, इन लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, इन्हें मार दिया गया है इन कंपनीज के द्वारा, और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये सिर्फ क्लोन्स है। क्लोन्स मतलब एग्जैक्टली जैसे वो बना, एग्जैक्टली जैसे वो इंसान रहता है, वो एक सिंथेटिक ह्यूमन बीइंग वैसे ही बना देते हैं। हमें ये टेक्नोलॉजी का एक्सेस अभी तक नहीं है, लेकिन साइंस इंफॉर्मेशन बहुत एडवांस कर चुका है और ऐसे रियलिस्टिक दिखने वाले क्लोन्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जो हम लोग बड़े बड़े स्टार्स के एड्स देखते हैं ऐसी गलत गलत चीज़ें प्रमोट करते हुए, ये एक्चुअली ये भी हो सकता है कि वो स्टार्स को ऑलरेडी मार दिया गया है और ये सब उनके क्लोन जैसे बिजनेस पर्पजेस के लिए मार्केट में लाए गए ताकि सेल बढ़े और इनका फायदा हो और इनके प्रोडक्ट्स बिके। थर्ड रीजन ये हो सकता है इन स्टार्स का ये सब घटिया ऐड करने के पीछे कि इन पे बहुत ही गहरा काला जादू किया हुआ है। यस दैट इज राइट, ब्लैक मैजिक। अगर आप साइंसवादी है, अगर आप साइंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते तो आप भले ही ब्लैक मैजिक पे बिलीव ना करें, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें पॉसिबल है स्पेल्स के द्वारा, फिर बाद में एन्चेंटमेंट के द्वारा, कि जिसमें से बड़े बड़े लोग जो है जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो लोग ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, और इस ब्लैक मैजिक के द्वारा उन्होंने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन के जो सोल्स है वो वश में कर लिए हैं, और इसके वजह से वो खुद ही नहीं देख पा रहे कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और ये कितना गलत है उनके लिए। चौथा एक मेन रीजन हो सकता है इन सब ऐड करने के पीछे कि उनके फैमिली मेंबर्स को धमकाया जा सकता है इन कंपनीज के द्वारा। सी ये जो बड़े बड़े कंपनीज रहते हैं जो ऐसी चीजें बनाते हैं कि जिससे बीमारियां फैलती है, सोसाइटी में झगड़े होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स इन लोग के पास पैसे की कमी नहीं होती है, तो और इनमें एथिक्स और मॉरल्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो क्या होता है कि इन लोग इनके फैमिलीज को ब्लैकमेल कर सकते हैं कि अगर तुम ऐड नहीं करोगे तो तुम्हारे फैमिलीज को मार दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा। ऐसे कुछ रीजंस हो सकते हैं कि ये स्टार्स या ये सो कॉल्ड एंटरटेनर्स बोलो, ये ऐसे एड्स कर रहे हैं। अगर ये सब भी रीजंस नहीं है, ये सब भी रीजंस बहुत अनयूजुअल लग रहे हैं और सच में आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो और आपको आप पैसों के लिए कर रहे हो, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि एक एक मूवी के आपको 8-8, 10-10 करोड़ मिलते हैं और जहाँ पे इधर 30-30 हज़ार के लिए लोग, 20-20 हज़ार के लोग 10-10 हज़ार के, 5-5 हज़ार के जॉब्स कर रहे हैं, तो बहुत ही शर्मनाक बात है। आप चाहे तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है कैंसर हॉस्पिटल है, टाटा जी ने बनाया, आप एक दिन से वो हॉस्पिटल में जाके देखो कितना बुरा हाल है वहाँ पे लोगों का, और जाके देखो कि आप जो प्रोडक्ट्स एंडोर्स कर रहे हैं उसके वजह से, वो प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने के वजह से वो इंसानों का वो हाल हो रहा है। आप सिगरेट एंडोर्स करते हो, आप दारू एंडोर्स करते हो, आप गुटखा के प्रोडक्ट्स एंडोर्स करते हो, भले ही आप एंडोर्स करते टाइम पे वो इलायची के करते रहते हो, लेकिन ये बहुत ही बेतुका रीजन है पैसे आने के लिए, बहुत ही डिप्लोमेटिक सा रीजन है। और ऐसे ही आप लोग फालतू की चीजें अगर एंडोर्स करते रहे तो अभी टाइम आ गया है कि हम लोग एज देश की जनता आपके वीडियोस देखना ही बंद करेंगे। हम लोग आपको सोशल मीडिया पे अनफॉलो करेंगे, जैसे कि अक्षय कुमार को बहुत लोगों ने अनफॉलो किया है फॉर बीइंग डिप्लोमेटिक। उन्होंने एक अपोलॉजी लेटर भी भेजा था जनता में। सी अपोलॉजी लेटर बनाना इज लाइक वेरी वेरी स्मॉल थिंग, जनता को उल्लू बनाना बहुत सिंपल है। और सॉरी, आप चाहे तो पैसे लौटा के, अक्षय कुमार जी आप चाहे तो पैसे लौटा के विमल कंपनी को
ऐड रुका सकते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपको आपको देखने वाले जो फैंस हैं आपके फैंस, वो ऐसे प्रोडक्ट्स खाए, ऐसे प्रोडक्ट्स खा के मरे, उनकी लाइफ बर्बाद हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो सच में ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे लिए, हम सबके लिए, कि हम लोग ने आपको इतना सारा प्यार दिया और आपका जो भी सक्सेस है आज जनता के बदौलत है। अगर जनता ने आपको नहीं देखा होता तो आप इस मुकाम तक नहीं पहुंच गए होते। तो आप कंटिन्यूअसली ऐसे ऐड करते रहोगे। अभी आप अजय देवगन और शाहरुख खान को तो जनता ने देखना बंद ही कर दिया। मैंने पर्सनली अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार के ना सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैंडल मैं फॉलो करता हूँ और ना ही मैं कोई मूवीज देखता हूँ, भले वो मूवी कितनी भी हिट होने थे, क्योंकि ये इंसान इतना लालची है पैसे के लिए कि इसको फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहा है उससे जनता का क्या हो रहा है। अगर इनको नहीं फर्क पड़ता है तो सच में हमें आपको बॉयकॉट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो के साथ साथ इस एक पावरफुल मैसेज बहुत ही मैं जनता तक पहुंचा रहा हूं कि अगर सच में अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन सिर्फ पैसों के लिए सब कर रहे हैं और कर रहे हैं मोस्टली, जो एविडेंसेस है वो यही दर्शाते हैं कि आप मोस्टली पैसों के लिए सब कर रहे हैं। और अगर आप सच में पैसों के लिए कर रहे हैं तो मैं भगवान से ये दुआ मांगता हूँ कि आपके सारे जो फैन फॉलोइंग है, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स है, सब आपका जो मार्केट वैल्यू है इतना नीचे गिरे कि आपको कोई ऐड नहीं दे और आपको कोई देखे नहीं। धन्यवाद। अरे ये कठपुतली है, ये सेल आउट पपेट्स है इन कंपनियों के, तो इनको क्या पैसे दोगे तो आग के बदले पिछवाड़े में भी डालने बोलोगे ना, फिर भी इन लोग करेंगे, इन लोग कुछ भी करते। अगर इस वीडियो से आपको जानकारी प्राप्त हुई और आपको ऐसा लगता है कि ये बुरी चीजें जो है एक्टर्स एंडोर्स करना बंद करें, तो कृपया इस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अश्लील चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Thank you.